मैं आपको बताता हूँ, एक होता है बाईपास अटैक। भाई मेरी बात तो मुझे पूरी करने देते। आजम खान ने बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया, वो एक बड़ा कसावट करता है। अगर मुसलमानों को कमजोर करना है बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को करना है, तो कद्दावर नेता को कमजोर करेगी। और जिस हिसाब से अमर सिंह जी बीजेपी के सिद्धांत कर रहे हैं, ये बाईपास अटैक का एक एग्जाम्पल है कि सामने इसको करिए। महाभारत के युद्ध में यही हुआ था, शिखंडी को आगे करके किसका वध किया गया था। तो ये लाइव एग्जांपल है बाईपास अटैक का। क्यों अमर सिंह आज एक महीने से आपके तारीफ करते जा रहे हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ हड़ा दिया? ऐसा क्या चाहिए आप लोगों ने पिला दिया कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया? सर मिश्रा जी कैसा बात कर रहे हैं? आजम खान के कमजोर होने से किसी ने किसी को फायदा है? लाली साहब थोड़ा मेरा सवाल समझ ले। लाली साहब दीक्षित जी, लाली साहब एक साहब थोड़ा सोचेंगे, एक साहब रुकेंगे, क्या बोल रहे हैं लाली साहब? डिबेट नहीं कर सकते हम ऐसे आदमी के साथ, डिबेट नहीं कर सकते सॉरी गौरी जी, हम ऐसे आदमी के साथ डिबेट नहीं कर सकते हैं जो हमारी बात पे अपनी बात घुसर दे। हम उसके साथ बैठकर डिबेट नहीं कर सकते। क्या हो गया, आप हाथ क्यों जोड़ने लगे? ये आदमी ठीक नहीं लगे हमको, हम ऐसे डिबेट नहीं करते हैं। अरे सर आपने आप के साथ जवाब नहीं है तर्कों का, इसलिए थोड़ा सा रुकेंगे आप। लारी साहब डिबेट आप हमसे कर रहे हैं, आप हमसे मतलब रखें, डिबेट कुतर्क खुद दे रहे हैं। लारी साहब आप डिबेट हमसे कर रहे हैं, लारी साहब हमसे मतलब रखें। चलिए एक सवाल हम पूछ रहे हैं, कुछ है नहीं। लारी साहब एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारा जो देश है यहाँ सर यही ऐसे ही हंसते हंसते 250 से 45 सीट पे आ गए थे। जो आदमी अपनी असफलता पे हंसता है ना, उसके ऊपर मुझे भी हंसी आती है। याद कर लीजिए 2014 का चुनाव, ये अभी यूपी का 2017 का चुनाव, वो रिजल्ट देख के हंसिए सर। 2012 का भी चुनाव, अरे सर वो रिजल्ट देख के हंसिए। आपका काम बोला था, आपका काम बोलता था। लारी साहब एक दुनिया ने आपका काम देखा था। लारी साहब एक एक बात पे हंसिए सर, हम लोग ने दूसरी शादी थी तबाही पे हंसिए। 245 सीट पे आने की बिजली बोल लिया है, गली गली के आप अपनी तबाही पे हंसिए सर, गली गली पे ले। अरे सर हंसिए अपनी तबाही पे, अपनी तबाही पे हंसिए। 250 से 45 सीट पे आपके काम ने बोला था, हंसिए अभी देखिएगा। चलिए राजू दीक्षित जी, चलिए के साहब थोड़ा सा रुकेंगे, लारी साहब आप भी थोड़ा सा रुकेंगे। दीक्षित साहब थोड़ा सा मुझे मुझे भी बोल लेने दीजिए कुछ। मिश्रा जी देखिए ऐसा है, दीक्षित जी मैंने एक उदाहरण दिया, सवाल समझ ले दीक्षित जी। जी उनके साथ क्या किया? अरे यार अजीब आदमी हो, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? बोलने लगते हो बीच में, इन्हीं की प्रवक्ता थी भरत। हाँ नहीं अब की बार जो है क्या संसद में पूरा अपना धरना मचाने वाले हो क्या? तुम्हें दलाली अच्छी मिलेगी अमर सिंह से। अरे यार दलालों की पार्टी आप लेके बैठे हो, अमर सिंह दलाली अच्छी बना रहे हो। मैं अमर सिंह का फेवर नहीं ले रहा हूँ, आप समझते क्यों नहीं है? अमर सिंह से चिंता ना करो, 245 सीट पे आ गए और हंस रहे हैं। पता नहीं आपने ऐसा क्या अचीवमेंट कर दिया है? आपकी पार्टी का काम तो बोला नहीं, आप बैठ के बोल रहे हो क्या? प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे? पैसा दो अच्छी दलाली मिलेगी तुम्हें। पता नहीं कैसे जो है तुम बैठे हुए हो प्रवक्ता बन गए। लारी साहब थोड़ी सी लैंग्वेज आपको दुरुस्त करनी पड़ेगी। लारी साहब ना लैंग्वेज का मैनर है आपके पास, लॉजिक है? आप अमर सिंह के खिलाफ, हम सबको दुरुस्त कर, अमर सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं। लारी साहब लेकिन एके मिश्रा जी उसी कद से आए जिस कद से आप यहाँ पर आए, लेकिन आप इनके साथ भी अच्छे से वार्ता। अरे आप डिबेट करिए, एक तो चलिए एके साहब थोड़ा सा बात मत किया रुकना चाहेंगे। एके साहब रुकना चाहेंगे, बात किया जाता है, बात कर रहे हो, ट्राई टू मेंटेन दैट। आई वार्न यू, आप तुम जैसे किसी के साथ बात मत किया करो, और उसमें इनको परेशानी हो रही है। 245 सीट पे आ गए और हंसते हो, प्रवक्ता बने हो, है कौन बने? जैसे सारा इंटेलेक्चुअल सारा दिमाग आपने पैटर्न करा लिया है। अरे यार चुप बैठो तुम, चुप हो जाओ, पता नहीं कहां के प्रवक्ता बने पड़े हैं। चुप बिल्कुल चुप, बोलिए आप बोलिए, बिल्कुल चुप बैठो, ऐसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता। बोलिए बोलिए लारी साहब, पत्रकार हो वैसे रहो। लारी साहब बोलिए, इन्हीं को बोलने दीजिए, बोलिए लारी साहब, बंदी करो।
लारी साहब आप टेलीविजन पर बोल रहे हैं, लारी साहब आप टेलीविजन पर बोल रहे हैं, लारी साहब थोड़ी सी लैंग्वेज को दुरुस्त करने की जरूरत है। आप इतने पढ़े लिखे होकर प्रभु थोड़ा सा रुकेंगे थोड़ा सा एक साथ, आप इतने पढ़े लिखे होकर आप इतना लूज टेम्पर, लूज टेम्पर अगर मैंने पहले ही कहा था मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता हूँ। नहीं क्यों नहीं लारी साहब, क्यों नहीं, ऐसी क्या दिक्कत है लारी साहब? आप अगर आपको अगर व्यक्ति विशेष के साथ दिक्कत होगी तो फिर आप अपनी बात कैसे रख पाओगे? सबसे दिक्कत है, चले कोई बात नहीं है, कोई बात राजीव दीक्षित जी के पास चलते हैं। वैसे भी कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है। राजीव दीक्षित जी मुझे जाते जाते एक चीज बता दीजिए, की बात कंप्लीट मुझे थोड़ा जाते जाते जी बोलिए आप, एक मेरा डायलॉग है बोलिए बोलिए आप लाली साहब बोलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। अमर सिंह और आजम खान नाम तो सुना ही होगा, इन दोनों नेताओं की अपनी ताकत, अपनी बिसात और कुछ अलग तरह की पहचान है सियासी जगत में या कह सकते हैं सियासी सरजमी में। शायद यही वजह है कि फिर एक दल में रहने के बाद भी दोनों में कभी नहीं बने। यही नहीं, आजम ने अमर के लिए कई जगह खुले मन से भद्दी भद्दी गालियां तक दी, लेकिन अब जब दोनों की राह अलग है तभी दोनों जब भी आमने सामने होते हैं, आमने सामने का मौका तो नहीं मिलता लेकिन इसके बाद भी जुबानी जंग में कमी नहीं है, जुबानी जंग जारी है। मगर अब आरोप है कि आजम ने अमर सिंह की बेटियों पर तेजाब डालने की धमकी तक दी। खैर सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगे कि आखिरकार इस आरोप में कितनी सच्चाई हो सकती है, लेकिन सवाल है कि सियासी जंग में आखिर ये कौन सी दुश्मनी निभाई जा रही है। जहां राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ कथित तौर पर उनकी बेटियों पर तेजाब फेंकने की धमकी देने को लेकर पुलिस में बकायदा शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने आजम खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पहले आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट और पूरे मसले को समझाने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि दरअसल इसे सियासी जंग कहा जाए या चुनाव से पहले कोई पैंतरा कहा जाए या वाकई में आजम खान इस तरह की धमकियां दिया करते थे और इसमें अगर किसी तरह की कोई सच्चाई है तो सियासी कद भी नापने की जरूरत है आजम खान की। पहले रिपोर्ट देखते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक ओर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं वहीं इस बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। हालांकि आम चुनाव में भी करीब 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त बचा है लेकिन यूपी में पारा कुछ इस कदर हावी हुआ है कि अक्टूबर की ठंडी हवाओं के बीच माहौल गर्म दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी और सियासी नोकझोंक कुछ इस कदर है कि नेता एक दूसरे को चुनावी रण में नहीं बल्कि निजी जीवन में धमकियां देने लगे हैं। जी हाँ, यकीन मानिए मगर प्रदेश में आज तस्वीर कुछ इसी तरह से बयां हो रही है, जहां अपने आप को समाजवादी कहने वाले आजम खान की हनक ये रही कि उन्हें अपने ही पुराने दोस्त अमर सिंह को धमकी तक दे डाली और धमकी भी ऐसी जिसे डरे और सहमे अमर सिंह ने कानून की चौखट पर जाकर अपनी अर्जी लगाई है। अमर सिंह का कहना है कि आजम खान ने उनकी बेटियों पर तेजाब डालने की धमकी दी जिसके खिलाफ उन्होंने लखनऊ के गोमती नगर में शिकायत दर्ज कराई। 20 वर्षों तक लगातार आजम की गालियां मैं सुनता रहा, अब की बार उसने सारी हदें पार कर दी। वो कह रहा है अमर सिंह और अमर सिंह जैसे लोग, उनके घर में जवान हो रही बेटियां, उनको जब तक तेजाब से नहलाया कर गलाया नहीं जाएगा, जब तक उनके घर की बहू बेटियों को बाहर निकाल करके उनके टुकड़े नहीं किए जाएंगे तब तक हिंदुस्तान में दंगे बंद नहीं होंगे। कर मारना चाहिए और इनकी बेटियों पर तेजाब फेंकना चाहिए, ये शब्द न मेरे हैं न हो सकते हैं। मैं इन शब्दों की खंडन करता हूँ और इन शब्दों को इस्तेमाल करने वाले की निंदा करता हूँ और फिर ये मशवरा देना चाहता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजम और अमर का ये रौद्र प्रेम कोई पहली बार नहीं है।
बल्कि इससे पहले यूपी के चुनावी रण में भी कुछ ऐसे ही जुबानी बांध चलते देखे गए थे, जहां आजम खान ने सारी मर्यादा को लांघते अमर सिंह पर आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग तक किया। आप अच्छी तरह जानते हो इस दल्ले की खाल जैसी मैंने खींची है किसी ने नहीं। इसे इस दल्ले को इसकी औकात और इसकी हैसियत में भी मैंने ही रखा है और दल्ले का लकब भी मैंने ही दिया। ये दंगा जहां जाता है जिसे जलील करने के लिए कहते हैं कि आजम खान को दल्ला क्यों कहते हैं। गंजे दल्ले बोला सांड हूं सांड, अरे है तो फिर भी जानवर। खैर, यूपी विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ आजम अमर प्रेम का ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अगर अमर के आरोपों में कोई सच्चाई है तो सियासी सरजमी पर आजम की इस हरकत को आप क्या कहेंगे। सवाल है कि राजनीतिक बयानबाजी के बीच बेटियों पर तेजाब फेंकने की धमकियां देना कहां तक जायज है। साथ ही सवाल आजम की उस जुबान पर भी जिसका जिक्र हमें अक्सर सुनने को मिलता है, क्या नेताओं के आगे संविधान और कानून कोई चीज नहीं या फिर इन्हें सिर्फ अपना फायदा ही दिखाई देता है, फिर वो चाहे किसी को गाली देकर हो या फिर किसी को धमकी देकर। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया वाइज। तो वाकई में जिस तरह से सियासी अगर एक रंजिश की बात अगर यहां पर उठाई जाए तो कई तरह के मसले खड़े होते हैं कि अमर आजम में जब दोनों समाजवादी पार्टी में रहे हैं, अभी भी आजम है समाजवादी पार्टी में लेकिन अमर उससे बाहर हो चुके हैं, तब भी दोनों के बीच जुवानी जंग होती रही है। अमर सिंह अब बाहर हैं, लगातार मुलायम सिंह के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर और साथ ही साथ आजम खान के ऊपर वो निशाना साध रहे हैं। सीधे अर्थों में समझा जा सकता है कि जब इस तरह के बयान में अगर परिवर्तन दिखने लगे तो जब किसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो उसकी सच्चाई को भी सही सही पैरामीटर पर नापने की जरूरत है। इस वक्त तीन मेहमान हमारे साथ हैं। एके मिश्रा साहब हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। मिश्रा साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले हम एके जी के पास चलते हैं, एके मिश्रा जी के पास चलते हैं। मिश्रा साहब देखिए, अमर और आजम खान, अमर सिंह और आजम खान के बीच की जो भी सियासी जंग है, जो भी आप सियासी रंजिश भी कह सकते हैं या फिर एक पार्टी में रहने के बाद भी दोनों के बीच में कई मसले पर नहीं पटी है ना, कई तरह की विचारधाराओं में अंतर भी दिखा, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं कि चुनाव से पहले अमर सिंह के बयानों में कई तरह की विरोधाभास भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के फेवर की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, मस्जिद का नाम भी नहीं ले रहे, पहले मस्जिद का नाम लेते थे लेकिन अब मंदिर की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, मुलायम सिंह यादव पर निशाना साध रहे हैं और सियासी दुश्मन के तौर पर आजम तो उनका रहा ही है सबसे बड़ा टारगेट, तब सीधे तौर पर उनके खिलाफ एक बड़ा मुकदमा उन्होंने दायर किया, एफआईआर दायर कर दिया है कि हमारी बेटियों के ऊपर तेजाब फेंकने की धमकी आजम खान की तरफ से दी गई थी। थोड़ा सा एक सही सियासी पैरामीटर, एक पॉलिटिकल पैरामीटर की बात करें तो कितनी हद तक ये चीजें सही लग रही हैं इस वक्त आपको चुनाव से पहले? देखिए मैं आपको बताऊं, चुनाव के पहले बहुत सारी चीजें बदलती हैं और ऑल ऑफ सडन होती है। मैंने एक टीवी चैनल पे पहले भी ये बोला था कि आप सिंह साहब को देखिए, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को उठाया और शुरू से ही उससे जुड़े रहे हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है और समाजवादी पार्टी का भी बड़ा योगदान रहा है उनको ग्रो कराने में। देखिए यहाँ होता क्या है, सिचुएशन कैसे चेंज होती है, डायनामिक्स कैसे चेंज होती है, एक पार्टी में कई महारथी होते हैं जो पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, पार्टी के जो प्रमुख होते हैं उनके नीचे, एक समय विशेष के अनुसार एक कालखंड में अमर सिंह का रोल बहुत बड़ा था और समय चेंज होने के कारण कुछ ऐसा हुआ कि आजम खान साहब की जरूरत ज्यादा पड़ गई, तो अपने अपने समय के हिसाब से दोनों लोगों ने पार्टी को कंट्रीब्यूट किया। कंपटीशन किसी भी पार्टी में पॉलिटिकल फील्ड में दो तरीके का होता है, इंटर और इंट्रा, यानी पार्टी के बाहर जैसे समाजवादी पार्टी कांग्रेस से फाइट करे। एके साहब थोड़ा मैं जो जानना चाह रहा हूँ उस पर फोकस्ड होते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो आरोप लगाया गया है अगर इस आरोप में किसी तरह की कोई सच्चाई नजर आती है तो वाकई में बहुत ही गंभीर आरोप है आजम खान। अगर ये आरोप सच्चे हैं, और इसीलिए एक बात देखिए मैं लगातार कह भी रहा हूं, एक मैंने चीज लिखा भी कि भाग आजम भाग, देखिए तरीका थोड़ा सा फनी हो सकता है लेकिन है तो वही
कि अमर सिंह पीछे पड़ गए, आजम खान को समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि भागने में फायदा है या फिर इसका काउंटर करेंगे? जिस तरह से अगर फ्यूचर में जाके ये आरोप सच्चे होते हैं, दोनों लोग बुद्धिजीवी हैं, अगर अमर सिंह ने आरोप लगाया है तो कुछ न कुछ उसमें दम होगा, निराधार नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आरोप सच्चे हैं तो सबसे दुख की बात यह है, जानते हैं कि पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी के बेस पे आप एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं, राइवल हो सकते हैं, लेकिन ये आइडियोलॉजिकल फाइट या पॉलिटिकल फाइट कैसे पर्सनल फाइट में बदल जाती है, राइवलरी में बदल जाती है। हाँ। कि एक दूसरे के पर्सनल, अब कोई किसी की बेटी है उससे आपका क्या रंजिश है? अगर ये आरोप सही है, हाँ। मुझे पता नहीं सही है या गलत है, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, बिल्कुल किस हद तक ये लोग गिर जाते हैं, फिर लड़ाई मारपीट होगी, फिर गोली बंदूक चलते हैं, लोगों की जाने जाती है। तो ये पतन का, राजनीतिक विचारधारा की पतन का एक सबसे बड़ा लाइव उदाहरण है। दूसरी चीज जो आपने लिखा भाग आजम भाग, अगर इसकी एनालिसिस करें तो डेफिनेटली आज की डेट में अगर अमर सिंह जी इतने बड़े बीजेपी के भक्त हो गए हैं, जो हमेशा बीजेपी की बुराई करते रहते थे और एक महीने पहले से पता नहीं ऐसा क्या जादू की छड़ी घूम गई कि वो भक्त हो गए हैं, तो अगर ये मान लिया जाए कि वो बीजेपी की तरफ है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो कह दे तो पावर नहीं, कह नहीं दे, सीधे कह दे, नहीं देखिए पावर गेम में तो वो बहुत बड़े पावरफुल हो गए हैं। ठीक ठीक है, बिल्कुल एक हिसाब है। इसीलिए आपने जो लिखा कि भाग आजम भाग, ये क्लियर है कि अगर वो बीजेपी की तरफ है और बीजेपी का सपोर्ट है तो वो बहुत पावरफुल है। चलिए ठीक है, लारी साहब बहुत अच्छे से बताएंगे। लारी साहब, तारिक अहमद लारी साहब, बहुत दिनों के बाद आपसे मौका मिला रूबरू होने का। मैं इंतजार भी कर रहा था कि लारी साहब के पास थोड़ा सा जल्दी से आना है। आजम खान के पास कोई विकल्प दिख रहा है लारी साहब, या फिर अमर जी के पास कोई विकल्प नहीं था इसलिए कुछ समझ में नहीं आया, तो चलो एक आरोप बड़ा लगा देते हैं। हालांकि देखिए FIR हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वाकई में समाजवादी पार्टी के अंदर रहकर भी दोनों के बीच में सियासी जुबानी जंग होता रहा। अब एक पार्टी में नहीं है, अब देखिए इस तरह से छीछा लेदर अब हो रहा है। कैसे आजम खान के पास कोई है विकल्प, कैसे बचा पाएंगे अपने सियासी, उनका सियासी जो कद है वही दाम पर लग गया। तारिक साहब, देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है, हाथी चले बाजार। आजम खान हाथी है और पीछे जो बोलने वाले बोलते रहते हैं। पहले भी आपसे बात हो चुकी है आजम साहब के बारे में, वो आजम साहब और ये इनके आ रही है बोलिए आप। आजम साहब और इनके बारे में पहले भी बात हो चुकी आ रही है जी, आजम साहब और इनके बारे में पहले भी बात हो चुकी है और मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, हाथी चले बाजार और लोग पीछे बोलते रहते हैं। तो आजम खान पीछे बोलने वाला आदमी है। आजम साहब ने कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं कही जो ये अमर सिंह कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ और बेबुनियादी चीज कह रहे हैं। FIR तो मेरे खिलाफ भी हुई थी अभी कुछ दिन पहले और 24 घंटे के अंदर वो FIR स्पंज हुई थी क्योंकि उसका कोई साक्षी नहीं था, कोई साक्षी नहीं था। तो इस तरह की FIR अगर कर रहे हैं लोग तो करते रहे। अभी हमारे पत्रकार महोदय, इन्होंने कहा कि अमर सिंह ने बड़ी पार्टी बनाई है और बड़ा ये किया है, बड़ा वो क्या है। आपको बता दें 1994 से लेकर 96 तक माननीय नेताजी अमर सिंह को पहचानते भी नहीं थे। कौन अमर सिंह, इसका साक्षात गवाह मैं हूं। मेरे ही बराबर में अमर सिंह बैठा हुआ था और मुलायम सिंह जी इधर थे, वो मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा यह आदमी कौन बैठा है, इसको हटाओ यहां से, क्यों सुन रहा हम लोग की बात। सर, क्या पर्सनल? तो बाकायदा सिक्योरिटी ने धक्के मारकर उसको मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाला था। नहीं ठीक है लारी साहब, देखिए ठीक है मैं ऐसे जहील आदमी की बातें हम सुनते नहीं हैं। मैं सियासी रंज और सियासी गम को मैं समझ पा रहा हूँ, शायद वही एक बहाना हो सकता है कि इस तरह से निराशा और इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग आप लोगों की तरफ से हो रहा है। अमर सिंह पहले हुआ करते थे, अब अमर सिंह हो गया, चला गया है ना। सभी जो हमारे सभी जो इज्जत सूचक जो आप जो अल्फाबेट्स लगाए जाते हैं सब समाजवादी पार्टी का छोटा से बड़ा नेता भी लगाना भूल गया। राजीव दीक्षित जी एक बड़ी बात देखिए, मैं अखबार लारी साहब थोड़ा सुन लेते हैं दीक्षित साहब एक बड़ी बात देखिए, अखबारों में भी पढ़ता रहता हूँ, अखबार थोड़ा बहुत कम ही पढ़ता हूँ लेकिन पढ़ लेता हूँ, कभी कभी जब अमर आजम के ऊपर कोई चीजें आती है तभी जरूर पढ़ लेता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ निकल के सामने आ जाते हैं। दीक्षित साहब मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो आरोप लगाया जा रहा है कि अमर सिंह के अंदर अचानक जो बीजेपी की भक्ति बढ़ी है, जो बीजेपी की भक्ति बढ़ने के बाद जो मंदिर मंदिर की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, दरअसल
बीजेपी की तरफ से एक बी प्लान तैयार किया गया है और जिसका लीडर अमर सिंह को बनाया गया है, और अमर सिंह शायद उसी बी प्लान पे चल रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। थोड़ा सा क्लियर कट कर दें, क्योंकि देखिए अमर सिंह अभी तक तो नहीं कह रहे हैं कि हम बीजेपी के हैं या नहीं है, लेकिन उनको उनकी बातों से तो यही लग रहा है कि बीजेपी के बहुत ही करीब आ चुके हैं वो। नहीं गौरीशंकर जी, मैं ये बात बताऊं कि ये सिर्फ सियासी जो है कयासों का और संभावनाओं का वो है। अभी ऐसा कोई नहीं है कि अमर सिंह बीजेपी की बी टीम की तौर काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जहां पर व्यक्तिगत किसी का किसी को आघात पहुंचता है, अगर आजम खान ने ऐसा बयान दिया है, मैंने अगर लगाया है, अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो निश्चित तौर पे उनके पास साक्ष्य होंगे और वो साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उन्होंने कायम किया है। लेकिन मैं इस तथ्य को भी कहता हूं कि दोनों जो जैसे दोनों लोगों की बात है, दोनों लोग एक ही पार्टी से रहे और एक ही पार्टी के अच्छे ओहदे पर रहे लोग हैं, उनको क्या नाम थोड़ा शिष्टाचार जो है शिष्टाचार का पालन करना चाहिए और उनको क्या नाम इस तरीके की भाषा का किसी को भी हक नहीं है सामान्य जीवन में। रही बात अमर सिंह की, अमर सिंह इस समय समाजवादी पार्टी में नहीं है, मैं ये बात मानता हूं, ये तथ्य है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बीजेपी के पार्टी में है। अब आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम की तरह वो काम कर रहे हैं, इस समय हमारी सरकार सत्ता में है इसलिए हम पे आरोप लगने तो निश्चित है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने ऐसा क्यों नहीं कहा गौरीशंकर जी, कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं? ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि अमर सिंह बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन मैं दोनों बीजेपी की पार्टी से हूँ, लेकिन मैं आजम खान को भी उतने सम्मान की नजर से देखता हूं और अमर सिंह को भी उतने सम्मान की नजर से देखता हूं, और ये व्यक्तिगत लड़ाई को सामान्य ठीक है। दीक्षित साहब आप कह रहे हैं, दीक्षित साहब अगर दीक्षित साहब आप कह रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आप कांग्रेस का बी प्लान हो सकता है, मैं क्यों कहूंगा कांग्रेस के बारे में? जो चीजें पढ़ रहा हूं, जो चीजें ठीक है कयास के आधार पर भी आप भी बात करें, मैं भी कयासों के आधार पर ही बात कर रहा हूं। तो चलिए इस बात को हटाते हैं, बिल्कुल सही है इस बात को हटाते हैं। इसके बावजूद मुझे एक बात समझाएं, आरोप तो मुझे एक बात समझाएं, विपक्ष का काम, मुझे एक बात समझाएं दीक्षित साहब, मुझे एक बात समझाएं। इसके बावजूद जब किसी का बयान बदलने लगे, जब किसी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों पर ज्यादा फोकस्ड हो जाए जिसका सियासी करियर ही उसके विरोध में होता रहा है ना, अगर राम मंदिर की बात होने लगे, हिंदुत्व की बात होने लगे, हिंदू की बात होने लगे, है ना, मुसलमानों के अगेंस्ट में बात होने लगे, तो फिर एक सवाल उठना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार अमर सिंह का माइंडसेट क्यों बदल रहा है, कहां से चारा पानी मिल रहा है? भले वो बीजेपी का नाम ना ले रहे हो, लेकिन भाषा उनकी लैंग्वेज तो बीजेपी वाली ही तो है। आपने ऐसी संभावनाओं को बताया। जी नहीं, अमर सिंह की जहां तक बात है, अमर सिंह का निश्चित तौर पर राजनीतिक योगदान को नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो किसी के लिए भी हो, इसलिए हम लोग भी उनके राजनीतिक योगदान को नकारते नहीं हैं। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत की बात है, मैं कहूंगा कि ये सब चीजें जो हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर स्वार्थवश कोई चीजें कही जाती हैं तो वो अलग चीज होती है। ये तो मतलब अगर व्यक्तिगत लड़ाई है तो व्यक्तिगत लड़ाई को राजनीतिक पार्टी इसके बावजूद देखिए, इसके बावजूद देखिए बहुत ही गंभीर चर्चा हम लोग करना चाहेंगे, गंभीर चर्चा। अगर कोई एक पिता, अगर एक पिता के दर्द को भी समझना काफी जरूरी है, के साहब ऐसा नहीं कि हम सारी सच्चाई को पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर लेने की कोशिश करें, है ना, एक एजेंडा सेट कर लें और उसी के तहत चर्चा करें, तो सच्चाई कई बार सामने नहीं आ पाती है। मैं थोड़ा सा एक साहब जानना चाहता हूँ, एक पिता के दर्द को भी समझें, क्या कोई पिता अपनी बेटी को सामने रखकर इस तरह का आरोप, कोई झूठा आरोप किसी के खिलाफ लगा सकता है? देखिए भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने शुरू में, अगर मान लीजिए ये आरोप झूठे हैं, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि ये पॉलिटिक्स है, क्या सही है क्या गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन यही पॉलिटिक्स है कि क्या क्या नाच नचवाती है। आप पास्ट में उदाहरण जाके देखिए, आपने कभी ये सोचा था कि समाजवादी पार्टी के अमर सिंह होते हुए खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि मैं तो मोदी जी के साथ हूँ, मोदी जी की तारीफ करूंगा, एक महीने पहले ये चमत्कार हो गया। तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल जगत और पॉलिटिशियंस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ। वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको झूठ भी मान लूं, एक चाल भी मान लूं, हाँ। तो ये बहुत मतलब, अभी आप देखिए यूपी में जब इलेक्शन हुआ था
तो एक बसपा के जो थे उन्होंने एक भाजपा की जो नेता थी उनकी उनकी वाइफ की बिटिया को, उनकी बिटिया को उन्होंने कमेंट किया था। हाँ, बिल्कुल, और उसपे इतना मतलब टीवी पे बवाल मचा था, फिर वो बिटिया जो थी उसके मदर को टिकट दिया गया, वो वहां से जीती। ये बड़ा हॉट मुद्दा था। देखिए दो चीजें हैं, हम मैं देखता हूं कि हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर, सबके अंदर नहीं, लेकिन इतना पतन है ना चारित्रिक लेवल पे। मैं तो बोलता हूं अमर सिंह और आजम सिंह जी इतने बड़े हैं, इतने बड़े ओहदे पे हैं, और आप लोग ये किस तरह की बात कर रहे हैं सर। अभी लारी जी को मैंने सुना, इतना दुख हुआ। अरे सर, आज आपके एक एक कार्य, आपके एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ता का कॉन्ट्रीब्यूशन है आपको पार्टी बढ़ाने में। आप अमर सिंह की अगर बात करते हैं, जिस तरह से लैंग्वेज, मैं उनकी तरफ से बोल नहीं रहा हूं, जिस तरह से आपने मैटर को प्रेजेंट किया, मुझे तो लग रहा था कि आप इतना पर्सनल हो गए हैं कि अमर सिंह को जो है आप एक तरीके से अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इतना पर्सनल क्यों हो रहे? लैंग्वेज बदल रही है उनकी पूरी, लारी साहब की लैंग्वेज बदली थी। लारी साहब जो आपत्ति मेरी तरफ से जाहिर की गई, वही आपत्ति देखिए के साहब ने लगा दिया आपके ऊपर। पहले अमर सिंह हुआ करते थे अमर जी, अब हो गए अमर, अब हो गए अमर या अमरवा भी कह सकते हैं बाद में। ऐसे ही बोल देंगे आप लोग गाली देंगे नेताओं को। नहीं तो थोड़ी लैंग्वेज क्या, सियासी लैंग्वेज क्या लारी साहब, यही है समझ के गाली दीजिए नेताओं को। ये जब नेताओं की कैटेगरी है, पहले नेताओं की कैटेगरी समझिए। अमर सिंह नेता की कैटेगरी में नहीं आता। सर मैंने पहले ही बोला सारे लोग नहीं, कुछ लोग। आप नेताओं की कैटेगरी प्लीज मुझे मत बताइए कौन किस कैटेगरी में आता है। जिस तरीके की भाषा आप प्रयोग कर रहे थे, आपके लिए कौन सी कैटेगरी वहां पे रखी जाए सर? अगर आप बड़े हैं तो आपका यही कर्तव्य है कि जिसने 10 साल 5 साल काम किया, आप उसके लिए इस तरीके की भाषा यूज करेंगे। आपके पार्टी झंडा आप यहाँ तो बता रहे हैं टीवी पे बैठ के, उसका ट्विटर उठाकर देखिए क्या क्या इस्तेमाल किया। सर ये बता रहा है कि आप कितने पर्सनल हो गए हैं। अमर सिंह का ट्विटर पर कैसे कैसे भाषा का इस्तेमाल किया, डायरेक्ट किया है, उसका भी किसी से हमारे यहाँ रेस के साथ निभाई जाती है, एक रिस्पेक्ट के साथ दुश्मनी निभाई जाती है। इस तरीके से दुश्मनी नहीं निभाई जाती है जिस तरीके से आप कर रहे हैं। आपने उनको निकाल दिया। अरे आप लैंग्वेज को तो कमांड रखिए सर। आप अमर सिंह के स्पोक्स पर्सन हैं। सर मुझे कभी बीजेपी वाले अपना स्पोक्स पर्सन बना, आपकी पार्टी ने भी मुझे कई बार अपना स्पोक्स पर्सन बनाया है। जब मैं आपके खिलाफ बोलूंगा तो आप बोलेंगे स्पोक्स पर्सन है आपकी पार्टी के खिलाफ। चलिए आप जैसे बात करते हैं बात करिए हमसे। आप प्रेजेंटेशन का जो है अमर सिंह के स्पोक्स पर्सन के हिसाब से बात करूंगा। मैंने तो अमर सिंह के बारे में अगेंस्ट में चार चीजें भी बोली ना, क्यों बीजेपी का फेवर क्यों ले रहे हैं? चलिए उस दलाल के बारे में हमसे बात करिए, झूठे के बारे में। अरे दलाल आप लोग समझो जो कौन दलाल है, मैं दलाल नहीं हूं। आप क्यों दूसरे को दलाल बोल रहे हैं? तो खुद ही समझ जाइए आप क्या। दोनों ही आपकी पार्टी के पैदाइश से सर, आप देखिए आपकी पार्टी के बीच कैसे है। जो अपनी लड़कियों को ले आ रहा है पॉलिटिक्स में और इतनी गंदी जगह बात कर रहा है। नहीं अहमद साहब देखिए, लारी साहब मैं आपत्ति करूंगा। लारी साहब लारी साहब मैं आपत्ति करूंगा आपकी इस लैंग्वेज पे। आपने कहा कि पॉलिटिक्स में अगर कोई अपनी बेटियों को इस तरह से अगर उपयोग करने की कोशिश करे तो क्या कहा जाए? आप इस तरह की लैंग्वेज आप कृपया करके यूज ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इस पूरे मामले में FIR हो चुका है। दीक्षित जी मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, ठीक है अमर सिंह अपनी लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इस तरह का कोई भी सबूत नहीं मिला, ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना FM न्यूज पे जहाँ पे ये बात कही गई। लारी साहब अभी तो FIR हुआ, लारी साहब अभी तो FIR हुआ, लारी साहब जब नहीं FIR के बाद मुकदमे चलेंगे तब तो सबूत की बातें आएंगी। लारी साहब पहले आप पहले से FIR की गई है सर। देखिए वो चाहे अमर सिंह की बेटी हो, हमारी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है। साहब थोड़ा सा रुकेंगे, आप रुकेंगे। राजीव दीक्षित जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूँ सर कि चाहे मेरी बेटी हो चाहे आपकी बेटी हो, बोलिए आप क्यों बात नहीं करते? कौन आपकी बेटी को ऑर्डर करता है? राजीव अमर सिंह की बेटी को ऑर्डर करता है? खुद मेंटेन रिस्पेक्ट एंड दीक्षित साहब बोलिए आप अपनी बेटी का इस्तेमाल करके कैसे कर रहा है, किस तरह की घटिया? दीक्षित साहब बोलिए, हिम्मत उठाइए से बोलिए। आप घटिया सोच का आदमी है, खुद ही सोच लीजिए आप कि कितनी घटिया सोच का आदमी है वो। नहीं यही जरा उल्टा करके देखिए ना, अगर ये बोला जाए कि हाँ आपने बोला है तो फिर आप क्या बोलेंगे? देखिए साहब थोड़ा सा रुकेंगे आप। दीक्षित साहब बोलिए क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे महाराज ये बोला ही नहीं है, FM न्यूज के बारे में कहा गया था। ये जांच बताएगी ना, वो तो जांच बताएगी। राजीव दीक्षित आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? राजीव दीक्षित जी बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बताएगा किसने बोला था? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना जी।
एके साहब रुकेंगे, लारी साहब रुकिए आप, राजीव दीक्षित जी उंगली मत सिर्फ उठाइए, बोलिए भी आप। तो क्यों उनकी तरफ से स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं आप क्यों स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं उनके? किसके स्पोक्स पर्सन है सर? मेरे पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है, मैं स्वतंत्र हैसियत से बैठा हूँ। मैं आपकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। अगर आपकी चीज सही है तो मैंने समाजवादी पार्टी की भी प्रशंसा की है, तो ऐसा नहीं है। बात करिए, आप जबरदस्ती प्रेशर बना के मुझे किसी के साथ पर्सन मत बनाओ। एक साथ थोड़ा रुकेंगे, लारी साहब आपके पार्टी के मुखिया ने क्या बोला था? लारी साहब रुकेंगे थोड़ा सा, ये भी जरा याद करके रखिएगा। चलिए एक साहब दूसरों को एक साहब एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे। ब्रेक के बाद हमारे तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हाँ एक बात तय कर लेनी चाहिए कि सियासत की भी अपनी मर्यादा होती है, शिष्टाचार होता है। अगर कोई बड़ा नेता या छोटा नेता आपकी पार्टी में पहले रहा, अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसके आरोपों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। का अर्थ यही है कि देखिए अमर वाणी नहीं बल्कि अमर के अब बड़े बड़े आरोप हैं आजम खान के ऊपर, और जो आरोप लगाया गया अगर इसमें लेस मात्र भी सच्चाई है तो वाकई में जो सियासी कद, जो बहुत बड़ा सियासी कद लेकर चल रहे हैं आजम खान, दरअसल उसके नीचे की धरातल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अहमद लारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, राजीव दीक्षित बीजेपी के नेता, और ए के मिश्रा जी हैं हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। चलेंगे लारी साहब के पास। लारी जी मैं बस इतना जानना चाहता हूं, लारी साहब अगर एक पिता अपनी बेटी के प्रति, हर पिता को अपनी बेटी से प्यार होता है, और उसकी बेटी पर अगर कोई तेजाब फेंकने की बात करे और इस आरोप को जाकर थाने में अगर FIR के तौर पर दर्ज कराए, तो इस चीज को, इस बयान को या इस FIR को आप किस तरीके से लेंगे? आप यदि पिता हैं तो उस नजरिए से भी जरा बोलने की कोशिश करें तारिक अहमद जी, क्योंकि बीच का जो लैंग्वेज था वो दरअसल बहुत ही आपत्तिजनक था आपका। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, ओरिजिनली बता रहा हूँ आपको, ये जब मुद्दा ये उठा था और जिस चैनल पर ये मुद्दा उठा था वहां पे मैं बैठा भी हुआ था, बाद में इस पे बहस भी हुई, और जिनके सामने ये मुद्दा उठा मैंने उनसे पूछा भी कि आपने इंटरव्यू किया आजम साहब का, क्या आजम साहब ने इस तरह की कोई बात कही? ही रिफ्यूज्ड, क्लियरली ही रिफ्यूज्ड कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, और कहीं भी मेरे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी इस तरह की बात कोई आजम साहब ने नहीं कही, बिल्कुल ही क्लियरली रिफ्यूज। लेकिन आजम साहब ने जबरदस्ती वो मुद्दा उठाया, अब वो मुद्दा शांत हुआ तो उनको जबरदस्ती फिर मुद्दा उठाना था, तो उन्होंने ये फिर मुद्दा उठाया। उनका 36 का आंकड़ा रहता है आजम साहब से, नहीं नहीं नहीं, आप आजम साहब की बराबरी नहीं कर सकते। लारी साहब, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ, 36 का आंकड़ा हो सकता है, 36 के आंकड़े हमारे आपके भी कई लोगों से होते हैं, लेकिन क्या हम लोग अपने परिवार को आगे करके भाई किसी... उन्होंने आजम साहब ने कोई भी किसी भी लड़की के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं की है, यही मैं आपसे कहने जा रहा था, आपने बीच में टोक दिया कि यदि अमर सिंह ये बात कह रहा है कि मेरी लड़की को ये कहा है, FIR दर्ज की है, FIR तो किसी के नाम की कभी भी दर्ज हो सकती है, ये सबको मालूम है कि एक FIR की एक एप्लीकेशन जाती है, वो FIR ही होती है, FIR वहां पर उन्होंने ली, FIR दर्ज की, आपको दे दी, उसके बाद होता है जांच के लिए ये उसी जगह जाएंगे जहां बिल्कुल ठीक है। आपका कहना है कि साक्ष्य नहीं, रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है, साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इस बात से संवैधानिक पहलू है, इस बात से मैं इसे अग्री करता हूं। एक साहब एक बात मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ठीक है अमर सिंह के अपने स्टैंड हो सकते हैं, मैं उस बात पर जाना भी नहीं चाहता है ना, कि तेजाब फेंकने वाली जो बात है, ठीक है FIR हो गया, अगर आजम खान इसमें दोषी है तो वाकई में बहुत ही घृणित एक तरह से धमकी उनकी तरफ से दी गई है, और जो सियासी इनका बड़ा कद है लोग उस कद को देखते हैं, आजम खान एक बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी में, शायद अगर इसमें सच्चाई किसी तरह की निकल कर सामने आती है तो उनका कद वाकई में धूल धूसरित होने वाला है। लेकिन एके साहब मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले, थोड़ा सा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हम आपसे जानना चाहते हैं, चुनाव का समय है, अमर सिंह अचानक एक्टिव हो चुके हैं, आजम खान पर निशाना साधने की जो उनकी आदत है वो कोई पहली आदत नहीं है, इससे पहले भी वो साधते रहे, लेकिन इस बार जो बढ़ चढ़ कर बात हो रही है कि FIR उन्होंने कर दिया, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि क्या चुनावी चकल्लस के तौर पर इसे देखने की कोशिश करें कि चुनाव है तो थोड़ा मजा आ जाए मीडिया में, है ना, और अमर सिंह उस टाइप के तो हैं भी, थोड़ा सा उनका बयान सुर्खियों में रहता भी है, आजम खान भी बहुत अच्छा बोलते हैं। अंदाज एकदम सही है, देखिए इसमें दो फैक्टर है,
36 का आंकड़ा इतना जबरदस्त था इन दोनों के बीच में कि पॉलिटिकल मतलब एक पार्टी के अंदर भी तो राइवलरी होती है ना, दो नेता एक दूसरे का कॉम्पिटिटर होते हैं, बिल्कुल होती है। उसमें हुआ क्या कि आजम साहब जो है डोमिनेट करते गए, अमर सिंह जी जो है पीछे हटते चले गए, अल्टीमेटली ये बाहर हो गए। अब अगर बीजेपी वगैरह की बैकिंग इनके पास है जिस हिसाब से ये खुल्लम खुल्ला मोदी जी की या बीजेपी का अमर सिंह जी फेवर ले रहे हैं तो इनको एक बहुत बड़ा बल मिला है। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं किस तरीके से पॉलिटिकल स्टंट किया जाता है। 2014 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक महीने तक स्टेज पे लड़ते रहे माइक को लेकर के। आप इमेजिन कर सकते हैं कि दो इतने कद्दावर नेता इतनी छोटी हरकत के लिए लड़ रहे हैं। वहां पे कोई मुशायरा या कोई वो चल रहा था क्या? वो पॉलिटिकल पार्टी का वहां पे उन लोगों का भाषण था, ग्रेस वहां पे भी मेंटेन। अच्छा वो खुश क्यों हुए? खुश ये हुए कि पूरी मीडिया पे एक महीने तक हम ही छाए रहे। कौन छाए रहे? अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी। वो सोचे कि हमारी बहुत बड़ी ब्रांडिंग हो रही है। मैंने उस वक्त भी बोला था कि इसका कोलैटरल डैमेज आपकी इमेज को समाजवादी पार्टी को इतना होगा कि उसको फिलअप करना बहुत मुश्किल होगा। और उसके बाद क्या हुआ? समाजवादी पार्टी तीन धड़ों में बट गई। आज तीनों धड़ों का कोई अस्तित्व ही नहीं है और अस्तित्व न होने के कारण जो उनको क्या लगता है कि साहब क्या लगता है कि इसे चुनाव से पहले कोई पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर मान के चले? लेकिन कौन इस पॉलिटिकल स्टंट में कौन भारी इस वक्त दिख रहा है? पॉलिटिकल भारी कौन दिख रहा है? मैं इस बात को जानना चाहता हूं। भारी तो डेफिनेटली अमर सिंह दिखेंगे और जो पार्टी उनको बैक कर रही है वो दिखेंगे। क्या दीक्षित जी कमजोर तो आजम साहब। दीक्षित जी देखिए, दीक्षित साहब यदि एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहा हो कि पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और अमर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अमर सिंह को तो पूरे देश के लिए ही एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं दीक्षित जी, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं क्या इस तरह की पॉलिटिकल स्टंट की कुछ फायदा होता है? किसी खास पार्टी को फायदा होगा कि अमर सिंह इस तरह के विवादित बयान देते रहेंगे, विवादित बातें करते रहेंगे, बाकी जो बड़ी पार्टियां हैं वो बीच का रास्ता निकालकर अपना एक मैंडेट बनाकर है ना वोट बैंक तैयार करती रही है? कुछ ऐसा है, कोई इक्वेशन है राजीव दीक्षित जी? थोड़ा मुझे समझाएं, मैं थोड़ा सा कम जानकारी रखता हूं इसमें। नहीं देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता इससे। चलिए क्योंकि देखिए ये अच्छी बात, बेसिकली जो है एक ही पार्टी के दो व्यक्ति थोड़ा बोलने दें, अमर सिंह पार्टी नहीं है, अब अमर सिंह को निकाला जाएगा, लेकिन मूलतः जी मूलतः एक ही पार्टी के दो व्यक्तियों के बीच अंतर विरोधों की ये तकरार है और हम इसको कुछ नहीं मानते। देखिए हमारी पार्टी के लिए मैंने बोल दिया है कि उनको निकाला जा चुका है, लेकिन मूलतः मैं बोल रहा हूँ। लेकिन देखिए ऐसा है, एक शिष्टाचार होता है पार्टी सिस्टम में भी, संगठन में भी एक शिष्टाचार होता है, यही चीज हमारे यहाँ भी हो सकती है लेकिन हमारे यहाँ होती नहीं है। फोरम में आकर बाहर आकर ऐसे बोल सकते हैं व्यक्तिगत, लेकिन जो पार्टी की राय नहीं व्यक्त सकते। अमर सिंह का ये जो मुद्दा है ये नितांत व्यक्तिगत मुद्दा है, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। हाँ जो आपने फायदे की बात कही, निश्चित तौर पर अगर मैं राजनीतिक इतना ज्यादा राजनीति में भी नहीं इन्वॉल्व हूं, मैं इतना जानता हूं किसी भी परिवार में अगर झगड़ा होता है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा किसी ना किसी को अप्रत्यक्ष रूप में बाहर मिलता ही है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। हाँ। और राजनीति में ऐसा होता है कि इशारा क्या है? कि हर एक शख्स ने इस्तेमाल किया उनको अपने तरीके से। दीक्षित साहब इशारा फायदे वाली बात में इशारा क्या है आपका? इशारा तो समझा दें क्या है कि साहब क्या बोलना चाह रहे थे आप? देखिए मैं आपको बताता हूं, एक होता है बाईपास अटैक, सामने आजम खान ने बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया, वो एक बड़ा कसावट होता है। अगर मंगवालों को कमजोर करना है बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को करना है, तो कद्दावर नेता को कमजोर करेगी। और जिस हिसाब से अमर सिंह जी बीजेपी के सरकार कर रहे हैं, ये बाईपास अटैक का एक एग्जाम्पल है कि सामने इसको करिए। महाभारत के युद्ध में यही हुआ था, शिखंडी को आगे करके किसका वध किया गया था? तो ये लाइव एग्जांपल है बाईपास अटैक का। क्यों अमर सिंह आज एक महीने से आपके तारीफ करते जा रहे हैं कि उन्होंने 36 का आंकड़ा बना दिया? ऐसा क्या चाशनी आप लोगों ने पिला दिया कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया? सर मिश्रा जी कैसे बात कर रहे हैं? आजम खान के कमजोर होने से किसी न किसी को फायदा है? लारी साहब थोड़ा मेरा सवाल समझ ले। लारी साहब
लारी साहब दीक्षित जी नमस्कार लारी साहब क्या बोल रहे हैं लारी साहब आदमी के साथ डिबेट नहीं कर सकते हैं हम ऐसे आदमी के साथ डिबेट नहीं कर सकते हैं सॉरी गौरी जी हम ऐसे आदमी के साथ डिबेट नहीं कर सकते हैं जो हमारी बात पे अपनी बात गुजर दे हम उसके साथ बैठ कर लारी साहब क्या हो गया आप हाथ क्यों जोड़ने लगे ये आदमी ठीक नहीं लगे हमको हम ऐसा डिबेट नहीं करते हैं अरे सर आपने आप के साथ जवाब नहीं है तर्कों का इसलिए एक जी थोड़ा सा रुकेंगे आप लारी साहब लारी साहब डिबेट आप हमसे कर रहे हैं आप हमसे मतलब रखें डिबेट कुतर्क खुद दे रहे हैं लारी साहब आप डिबेट हमसे कर रहे हैं लारी साहब हमसे मतलब रखें चलिए एक सवाल हम पूछ रहे हैं कुछ है नहीं लारी साहब एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं डिबेट आपका मेरे से हो रहा है क्यों तो ये क्यों बीच में बोल रहे हैं चलिए ठीक है उन्हें आपकी तरह उन्हें भी यहाँ बुलाया गया उनका ही बोलने का हक बनता है लारी साहब जरूर बोलेंगे लेकिन लारी साहब सुनिए लारी साहब एक चीज मुझे बताइए दीक्षित साहब ने दीक्षित साहब ने एक सवाल उठाया लारी साहब दीक्षित साहब ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया कि जब घर में जब झगड़े होते हैं और घर का जब बंटवारा हो जाता है और बाहर जब एक चला जाता बंदा तो उसका कोई फायदा तीसरा उठाता है ये झगड़ा आपको नहीं लगता लारी साहब कि आपके घर का ही झगड़ा है आखिरकार अमर सिंह तो आपके ही भाई थे अगर वो लड़ाई कर लिए नाराज करके बाहर चल गए तो मनाने की जरूरत तो थी आप लोगों को मनाते क्यों नहीं इसका फायदा दूसरी पार्टी उठाएगी आप लोगों को अच्छा लगेगा क्या लारी साहब कितने साल पहले उसको उस आदमी को कितने साल पहले निकाल दिया गया उस आदमी ने सन 2012 के विधानसभा के चुनाव में अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़वाया पूरे यूपी में लड़वा रहे थे लेकिन कैंडिडेट नहीं मिले 25 कैंडिडेट मिले जिनको हर क्षेत्र में मुश्किल से 6-6, 7-7 वोट मिले ये हैसियत है अमर सिंह की प्रैक्टिकल हैसियत बता रहा हूं यही लखनऊ की 6 विधानसभा उन्होंने लड़वाई थी जिसमें कहीं पे 6 वोट कहीं पे 10 वोट कहीं पे 20 वोट मिले थे अब इस हैसियत के आदमी के मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता ना हमारे परिवार का था वो ना कुछ मसला था यहां लगता है एक चीज भूल रहे हैं आप लारी साहब आज तक के वो लारी साहब एक चीज आप भूल गए हमारे परिवार का नहीं लारी साहब एक चीज आप भूल गए जब विधानसभा का चुनाव था जब समाजवादी पार्टी की हार हुई उस वक्त मुलायम सिंह अमर सिंह को छोड़ना नहीं चाह रहे थे सोचिए कितनी अहमियत थी उनकी और आप कह रहे हैं कि कुछ थे ही नहीं वो मुलायम सिंह जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव जी की बात कर रहा हूं वो डिसाइड करेंगे पार्टी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा तारिक अहमद लारी को पार्टी में रहना है कि नहीं रहना है ये अखिलेश जी डिसाइड करेंगे तो उसको फाइनल कर समझिएगा बस नहीं तो ठीक है हम चाहते हैं कि मोदी जो है मेरे साथ घूमे तो क्या मोदी घूमेंगे क्या अखिलेश जी कहेंगे ठीक है वो पार्टी में आ गए बीजेपी में आ गए मोदी जी समाजवादी पार्टी में नहीं रहे कभी तारिक अहमद लारी मोदी जी यहां पर कहां से आए जी मेरे साथ घूम रहे तो क्या समाजवादी में आ गए दीक्षित जी लारी साहब विषय को थोड़ा सा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल उनके ही अपने लोग जब उनसे अलग हो गए तो उनके लिए बेगाने हो गए इनकी लैंग्वेज भी बदल गई पूरी तरह से राजीव दीक्षित जी मैं थोड़ा जानना चाहता हूं अमर सिंह का एक पॉलिटिकल जो एक का जो उनकी अहमियत है एक जो राजनीतिक अहमियत है उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर आप कितना देख पा रहे हैं बीजेपी इसको किस नजरिए से देखती है नहीं देखिए नहीं योगदान की जहां तक बात है योगदान निश्चित रूप से उनका बहुत है भले ही हमारी पार्टी के लिए ना हुआ हो लेकिन जो हमारी प्रतिपक्ष पार्टी है उसके लिए रहा है देखिए एक बार 95 में सरकार जब सपा और बसपा की मिलके बनी थी तो भी उनका योगदान नकारा नहीं गया था उसमें 95 में बता रहा हूँ जब आपकी सरकार 93 में बनी थी सरकार तो समाजवादी और बहुजन की उस समय में आपको 95 की तो कहानी बता रहा था अभी 95 में ही बाकायदा मुलायम सिंह जी के घर पे वहां मुख्यमंत्री आवास पे अवतार पार्टी थी मैं नेताजी के साथ बैठा हुआ था मेरे पिताजी बैठे थे मेरे बगल में एक आदमी आके बैठ गया वो सैंडल और सफारी सूट पहने हुए चश्मा लगाए बैठा था उठ के बाकायदा मुलायम सिंह जी दूसरी तरफ गए फिर वो आदमी उस तरफ आया तो बाकायदा मुलायम सिंह ने मुझसे टोका कि पूछो ये आदमी है कौन इसको बाहर करो ठीक है बंदे ने उनकी सिक्योरिटी चलिए 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 मैं जानते ही नहीं नहीं लाली साहब कब की बात कर रहे हैं नहीं पार्ट नहीं थे तुमको समाजवादी से निकालने की बात
ठीक है, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, और उस वक्त की बात आप हो सकता है कर रहे हो जब अमर सिंह आए थे, ये 93 में कह रहे हैं कि सब, ये कह रहे हैं कि 93 में बहुजन और समाजवादी को एक करने वाले वही थे, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं ठीक है, हम वो थे ही नहीं कहीं पिक्चर में। चलिए दीक्षित जी से सवाल, लेकिन एक साहब बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि साहब, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आज की तारीख में, आज की तारीख में लारी साहब को ही बताएं, दीक्षित जी को ही बताएं, आज की तारीख में अमर सिंह की क्या हैसियत है, राजनीतिक हैसियत क्या है, उत्तर प्रदेश के हिसाब से हम बात कर लेते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है समाजवादी पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं नहीं, अमर सिंह खुद अपना करियर बहुत अच्छा बना पाए या ना बना पाए, समाजवादी या बीजेपी को आगे बढ़ा पाए या ना बढ़ा पाए, घर का बेदी लंका कैसे ढाता है इस एग्जाम्पल से प्रूफ होगा। आप देखिएगा चुनाव में अमर सिंह कुछ पॉजिटिव अपने लिए या समाजवादी या किसी के लिए कर पाए या ना कर पाए, लेकिन डेंट पहुंचाने की जहां तक बात होगी, कमजोर पहुंचाने की जहां तक बात होगी, तो एक विभीषण ने पूरे लंका को ढा दिया था और अमर सिंह अकेले इस काम के लिए काफी होंगे। इतना डेंट पहुंचेगा ना समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से अमर सिंह जी कर रहे हैं और ये करते जाएंगे। इसीलिए मैंने लारी साहब को बोला था, सर दुश्मन के लिए भी ग्रेसफुल लैंग्वेज यूज करिए, डेंट पहुंचाने की कैपेसिटी एक छोटे से कार्यकर्ता में भी होती है, वो आपके पार्टी का एक कार्यकर्ता भी आपको बहुत बड़ी हार पहुंचा सकता है, इसको हल्के में मत लीजिए। स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे मैं देखूं तो मैं बहुत सीरियस मानता हूं, और अगर आजम साहब परेशानी में फंसे तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा मोहरा गिरेगा इनका, आप इसको मान के चलिए। नहीं एक बात, एक देखिए लारी साहब एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारा जो देश है, हमारा जो देश है यहाँ सर यही ऐसे ही हंसते हंसते 250 से 45 सीट पे आ गए थे। जो आदमी अपनी असफलता पे हंसता है ना, उसके ऊपर मुझे भी हंसी आती है। याद कर लीजिए 2014 का चुनाव, ये अभी यूपी का 2017 का चुनाव, वो रिजल्ट देख के हंसिए सर, 2012 का भी चुनाव, अरे सर वो रिजल्ट देख के हंसिए, आपका काम बोला था, आपका काम बोलता था, लारी साहब एक दुनिया ने आपका काम देखा था, लारी साहब एक एक बात हंसिए सर, हम लोग ने धूल चटका दी थी, तबाही पे हंसिए, 245 सीट पे आने की बीच-बीच वोट लिए होते गली गली के, आप अपनी तबाही पे हंसिए सर, गली गली पे ले, अरे सर हंसिए अपनी तबाही पे, अपनी तबाही पे हंसिए, 250 से 45 सीट पे आपके काम ने बोला था, 2012 में देखिएगा। चलिए राजीव दीक्षित जी, चलिए के साहब थोड़ा सा रुकेंगे, लारी साहब, लारी साहब आप भी थोड़ा सा रुकेंगे, दीक्षित साहब, दीक्षित साहब, दीक्षित साहब अपनी पार्टी की तबाही पे देखिए साहब, एक साहब थोड़ा सा मुझे मुझे सवाल समझ ले दीक्षित जी, सवाल ये है, सवाल ये है दीक्षित जी, सवाल ये है दीक्षित जी, अपने दीक्षित जी बोल रहे हैं, मिश्रा जी टीवी पर डिबेट बैठ के आप जरा हम लोगों को बोलने दीजिए, जी 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 गौरीशंकर जी आप बोलिए, आप दीक्षित जी आप सिर्फ हाथ उठाते हैं बोलते नहीं, बोलिए तो गौरीशंकर जी, गौरीशंकर जी जी बोलिए, गौरीशंकर जी जी मेरी गौरीशंकर जी, वैसे मुझे किसी मेरे अपने पार्टी में बोलने का तो हक है मुझे, लेकिन मुझे किसी और की पार्टी में बोलने का हक नहीं है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, देखिए अमर सिंह का जो है प्रकरण आप डिस्कस कर ही रहे हैं, शिवपाल जी भी उसी तरीके की हाशिए पे जाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि राजनीति का ये सिद्धांत होता है, जब आदमी काम का नहीं रहता तो उसको निकाल दिया जाता है। मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात इसलिए कहूंगा कि हर एक शख्स ने इस्तेमाल किया उनको अपने तरीके से, हर एक शख्स ने इस्तेमाल किया उनको अपने तरीके से, और वो बेवकूफ ये समझते रहे कि वो उन्हें पसंद करते हैं। मैं इस बात से जरूर कहूंगा अब अमर सिंह का समाजवादी से मतलब में नहीं, उनका नहीं, काम नहीं रहा, इसलिए उनको निकाल दिया गया। किसके लिए आपने कहा अनर्गल आरोप प्रत्यारोप, अमर सिंह के लिए कहा या शिवपाल यादव के लिए कहा है बता दीजिए पहले, आप किसके लिए आपने कहा शिवपाल यादव के लिए? ये चीज समाजवादी पार्टी में के कार्यकर्ताओं के लिए आप क्लियर कीजिए, नहीं नहीं सुन लीजिए मेरी बात, जो आपने शेर, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, देखिए जो पार्टी देखिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी दीक्षित जी, उस बहुत बड़ी बात हो जाएगी दीक्षित जी, आपको शेर का मतलब समझाना पड़ेगा, अमर सिंह के लिए या शिवपाल यादव के लिए। अगर शिवपाल यादव कहेंगे तो फिर हो सकता है कि फोन भी आ जाए आपके आपके पास, तुरंत फोन आ जाए आलाकमान की तरफ से कि शिवपाल यादव के अगेंस्ट में ऐसा क्यों कहा। क्लियर कीजिए अमर सिंह या शिवपाल यादव किसके लिए शेर था? नहीं 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 मैं एक बात बता रहा हूं, मैं राजनीति में मैं दोनों
मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, जब आदमी काम का नहीं होता उसको निकाल दिया जाता है, पर हमारी पार्टी का संगठन ऐसा नहीं होता है कि जब आपका काम का होता है तो उसको निकाला जाए कहीं, उसको सम्मान पूरा दिया जाता है। मैं ये संगठन की बात कर रहा हूँ, संगठन कैसे दीप्ति भरद्वाज उनके साथ क्या किया? अरे यार अजीब आदमी हो, तमीज़ की कमीज़ नहीं पहन के आते हो, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, बोलने लगते हो बीच में, इन्हीं की बीजेपी की प्रवक्ता थी सर, इन्हीं की प्रवक्ता थी भरत, हाँ नहीं अब की बार जो है क्या संसद में पूरा अपना दलाल मचाने वाले हो क्या, तुम्हें दलाली अच्छी मिलेगी अमर सिंह से, अरे यार दलालों की पार्टी आप लेके बैठे हो, अमर सिंह दलाली अच्छी बना रहे हो, चिंता ना करो, मैं अमर सिंह का फेवर नहीं ले रहा हूँ, आप समझते क्यों नहीं है, अमर सिंह से चिंता ना करो, 245 सीट पे आ गए और हंस रहे हैं, पता नहीं आपने ऐसा क्या अचीवमेंट कर लिया है, आपकी पार्टी का काम तो बोला नहीं, आप बैठ के बोल रहे हो तो आप सोच रहे हो कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, पैसा दो अच्छी दलाली मिलेगी तुम्हें, पता नहीं कैसे जो है तुम बैठे हुए हो प्रवक्ता बन गए, किसने आपको सेलेक्ट कर लिया है, लारी साहब लारी साहब थोड़ा स्पोक पर्सन आप किसने सेलेक्ट किया, लारी साहब थोड़ी सी लैंग्वेज आपको दुरुस्त करनी पड़ेगी, लारी साहब ऐसा लैंग्वेज का मैनर है आपका, आपके पास लॉजिक है, आप अमर सिंह के खिलाफ, हम सबको दुरुस्त कर, अमर सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं, लारी साहब लेकिन एके मिश्रा जी उसी कद से आए जिस कद से आप यहाँ पर आए, लेकिन आप इनके साथ भी अच्छे से वार्तालाप करें, आप डिबेट करिए, एक तो चलिए के साथ, एके साहब थोड़ा सा बात मत किया, रुकना चाहेंगे के साहब, आप रुकना चाहेंगे, बात किया जाता है, बात कर रहे हो, आई वार्न यू, आप तो मुझसे किसी के साथ बात मत किया करो, और उसमें इनको परेशानी हो रही है, 245 सीट पे आ गए हंसते हो प्रवक्ता बने हो, जैसे सारा इंटेलेक्चुअल सारा दिमाग आपने पैटर्न करा लिया है, अरे यार चुप बैठो तुम, चुप हो जाओ, पता नहीं कहाँ के प्रवक्ता बने पड़े हैं, चुप चुप बिल्कुल चुप, बोलिए आप बोलिए, बिल्कुल चुप बैठो, ऐसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता, बोलिए बोलिए, लारी साहब पत्रकार हो वैसे रहो, लारी साहब बोलिए बोलिए, इनको बोलने दीजिए, बोलिए लारी साहब, लारी साहब आप टेलीविजन पर बोल रहे हैं, लारी साहब आप टेलीविजन पर बोल रहे हैं, लारी साहब थोड़ी सी लैंग्वेज को दुरुस्त करने की जरूरत है, आप इतने पढ़े लिखे हो कर, अरे प्रभु मेंटेन है, आप थोड़ा सा रुकेंगे थोड़ा सा, एक के साथ आप इतने पढ़े लिखे होकर आप इतना लूज टेम्पर अगर, मैंने पहले ही कहा था मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता हूँ, नहीं क्यों नहीं लारी साहब, क्यों नहीं, ऐसी क्या दिक्कत है लारी साहब, आप अगर आपको अगर व्यक्ति विशेष के साथ दिक्कत होगी तो फिर आप अपनी बात कैसे रख पाओगे, सबसे दिक्कत है, चले कोई बात नहीं है, कोई बात दिक्कत है, राजीव फेवर में ना, चले राजीव दीक्षित से, राजीव दीक्षित जी के पास चलते हैं, वैसे भी कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, राजीव दीक्षित जी मुझे जाते जाते एक चीज बता दीजिए की बात कंप्लीट, मुझे थोड़ा जाते जाते जी बोलिए आप, एक मेरा डायलॉग है, बोलिए बोलिए आप लारी साहब, बोलिए लारी साहब, बोलिए कह रहा था वो उन्होंने कंप्लीट नहीं होने दी बस जी, बोलिए इन्होंने जो बातें हमारे लिए कही, मैं इन्हीं की प्रवक्ता है, बरेली की है, उनके साथ बीजेपी ने क्या किया ये शेयर उनके ऊपर बहुत अच्छा बैठता है, और भी कई प्रवक्ता है जिनके साथ क्या हुआ है, और भी नेता है जिनके साथ क्या हुआ, बाहर के लोगों को लाकर टिकट देकर मंत्री बना दिया गया, और बीजेपी के अपने जो पुराने कार्यकर्ता उनको धो पोच के किनारे कर दिया गया, ये आदमी पहले अपने ऊपर उंगली उठा रहा है तो हमारे उनको उंगली उठा के किनारे कर दिया गया, ना ऐसी अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, हमारे यहाँ किसी को धो पोच के किनारे नहीं किया जाता, लेकिन हाँ जिसकी राजनीतिक अहमियत है उसका सम्मान निश्चित तौर पे किया जाता है। सुनिए ना आपने वही आगे चीज, राजनीतिक अहमियत इनका मतलब है कि बाहर से जो आए हुए लोग थे उनकी राजनीतिक अहमियत थी, जो इनके लोग थे उनकी राजनीतिक अहमियत नहीं थी, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, मैंने ये नहीं कहा हमारी अहमियत नहीं थी, मैंने आपको टिकट दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, बिल्कुल बनाया, कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं किया, कार्यकर्ताओं को भी दिया गया, ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं को बिल्कुल नगण्य कर दिया गया या उनका अपमान कर दिया गया, हमारे संगठन में ऐसा नहीं होता, किसी कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं होता, बहुत से कार्यकर्ता निश्चित तौर पे निष्ठावान नहीं होते फिर भी उनको पार्टी बियर करती है, बिल्कुल ठीक है, राजीव दीक्षित जी, राजीव दीक्षित जी, लारी साहब चलिए आप थोड़ा सा दोनों रुके, एक फाइनल कॉमेंट हम एके मिश्रा जी से लेंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, आप मिश्रा साहब मुझे थोड़ा सा बताएं जो चीजें चल रही है, ठीक है अमर सिंह इस वक्त आजम खान के खिलाफ उन्होंने FIR करा दिया, ठीक है पुरानी सियासी रंजिश का मामला है, अलग अलग तरीके से लोग इसको देख सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन क्या है चुनाव से पहले अचानक कुछ नेता बहुत ही प्रोएक्टिव हो जाते हैं, अमर सिंह भी उसमें से एक आते हैं, आजम खान भी उसमें से एक आते हैं, कई और नेता है आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है,
इसका क्या फायदा होगा? आम जनता पर इसका क्या असर है? क्या इसका कितना फायदा? अगर देखिए, जांच एजेंसी का विषय है, मैं ये नहीं मानता हूं कि सही है या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, हम लोग को बोलना नहीं। हाँ, इसके इतर में जाकर के अगर मैं बोलूं ना, तो इलेक्शन ही तो वो टाइम होता है जबकि एक फाइनल हवन कुंड में जो है हवन देना होता है, जो फाइनल और इमीडिएट करने, 4-6 महीने पहले करने के पहले अगर पहले आप शुरू करते हैं तो पूरा का पूरा रिजल्ट बदल जाता है। तो इससे बेटर तो टाइम ही नहीं होता है। ये तो पॉलिटिक्स के लिए ये सावन का महीना चल रहा है, आप जहां बीज डाल देंगे वो एक वट वृक्ष बन जाएगा। इसीलिए अमर सिंह जी इलेक्शन के 6-7 महीने 8 महीने पहले ये हुए हैं। हो सकता है उनकी बात सही है, अगर उनकी बात सही है तब भी पॉलिटिकल डैमेज इससे अमर सिंह को, सॉरी आजम खान साहब को पहुंचेगा, वो एक प्रेशर में आएंगे, उनकी इमेज को नुकसान होगा। इसका माइलेज किसको मिलेगा ये हर आदमी जानता है। पर्टिकुलरली ये बाईपास अटैक है जो कि कोई एक पार्टी अमर सिंह को सामने ले आकर के करवा रही है। बिल्कुल, चलिए एके जी आप यहां पर आए, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।